गुरु का स्वागत है आपके अपने चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। दोस्तों बार बार स्टूडेंट्स का एक ही कहना है कि सर सेकंड लिस्ट कब जारी होगा। जी हाँ, यानी सेकंड मेरिट लिस्ट, दूसरी मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। बार बार स्टूडेंट्स एक ही सवाल कर रहे हैं और कम से कम एक दो स्टूडेंट्स नहीं, कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हैं कि सर सेकंड लिस्ट कब जारी होगा। दोस्तों अभी उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। और इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा अंत तक देखेगा, आप लोगों को इससे जुड़ी जानकारी पूरी दूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका सेकंड लिस्ट कब जारी होने वाला है। तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू जन है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहे। सो गाइस, आपको बता दूं मैं कि बहुत से स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उनका नाम नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। और इससे पहले भी मैं आज से 4 से 5 दिन पहले भी मैंने बताया था कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है नामांकन से वंचित होने वाले हैं और उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं भी आएगा। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मेरा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं आया है, आखिर हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए या तो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम मेरा आ जाए। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, लेकिन ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कब होगा, कितने टाइम, ये आईडीएन में आप लोगों को पूरी कंफर्म करने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सो गाइस, आपको बता दूं कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा कि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है और उसमें आप लोगों का नाम नहीं आया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यह भी जानकारी दे दूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई अभी अपडेट नहीं आया। ठीक है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया सेकंड मेरिट लिस्ट का कि कब तक जारी होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रति वर्ष जी हाँ दोस्तों, प्रति वर्ष जब लिस्ट जारी होता है, यानी मेरिट लिस्ट जब जारी होता है तो उसके 20 दिन, जी हाँ दोस्तों, 20 दिन गैप देके सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होता है। ध्यान से सुन लीजिए, आपको 20 डे कम से कम गैप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। यानी आप लोगों को बता दूं कि 15 तारीख को एडमिशन लास्ट डेट है। ठीक है, एडमिशन का 15 तारीख तक लास्ट डेट है, इसके एक हफ्ते बाद आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, ये ध्यान रखिएगा, एक हफ्ते बाद। ठीक है ना, उससे पहले नहीं जारी होगा, एक हफ्ते बाद जारी होगा सेकंड मेरिट लिस्ट जारी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जितने स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, आप लोगों को मेरी एक दो बातें आप लोगों को सलाह जरूर माननी चाहिए कि आप लोगों को बता दूं कि कम से कम जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, आप ऐसे चुप मत बैठिएगा, ऐसे बिल्कुल ही आराम से मत बैठ जाइएगा कि आप लोगों को जैसे लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, इसका मतलब यह है कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, मतलब 1 ईयर आपका खराब चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप चुपचाप बैठे रहे तो आपको क्या करना है, आप सीधा अपने यूनिवर्सिटी से संपर्क करिएगा। जी हाँ, जेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जेपी यूनिवर्सिटी से संपर्क करिएगा, वहां पर जाइएगा, पूछताछ करिएगा कि सर मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट की सॉरी मेरा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है वो नाम नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, मेरा परसेंटेज भी सही है, सारा कुछ कंप्लीट है, आवेदन भी मेरा सक्सेसफुल हो गया है और मेरा साथ ही साथ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आया था, फिर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है, उनसे ये सारा सवाल आपको करना है यूनिवर्सिटी जाके। और यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा, वहां से कोई भी आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जाइए यूनिवर्सिटी, एक बार कष्ट करिए, यूनिवर्सिटी जाइए, वहां पर जाने के बाद आप लोगों को वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। और आपका जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वहां पर आपकी लिस्ट तैयार की ली कर ली जाएगी, जो गिने चुने छात्र जितने भी जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, सभी स्टूडेंट्स का वहां पर नाम ऐड कर लिया जाएगा और जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें आपका नाम शो कर जाएगा। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, नाम उसमें शो करेगा, उसके आधार पर आप कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। और आपको एक बात और जाते जाते एक बात और बता देता हूं, मैं लास्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद वीडियो यहीं से समाप्त करूंगा। आपको बता दूं कि आपको यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं चले जाना है। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है अपना आवेदन, जी हाँ दोस्तों, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो उसका एक प्रिंट कॉपी ले लीजिएगा, जिसे हम जीरोक्स कहते हैं, उसको एक ले लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को इंटर का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सब ले लीजिएगा डॉक्यूमेंट, कि आपसे अगर यूनिवर्सिटी के कोई भी आधिकारिक सवाल पूछे
तो आपको अपना आवेदन सक्सेसफुल का प्रिंट आउट दिखा देना है और आपको अपना इंटर का डॉक्यूमेंट जो भी है सारा कुछ ले लेना है कि वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो आप ये इतना काम करेंगे तो आपका मतलब 100% गारंटी है कि वहां पर पूरी सिलेक्शन आपको मिल जाएगी और वहां पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा आपको, और सेकंड लिस्ट जब जारी होगा तो उसमें नाम आपका आ जाएगा। तो सर गाइस इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये कंप्लीट आपको जानकारी देते हुए मैं यहीं से वीडियो समाप्त करता हूँ, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करिएगा, और इन्फॉर्मेशन जरा से भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको बता दूं कि जैसे आपका सेकंड लिस्ट जारी होगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, इसके लिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए बैठा हूं। जैसे सेकंड लिस्ट जारी होगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, आपको बताऊंगा, मैं कॉल करके भी बताऊंगा, मैसेज भी करूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, सारा कुछ कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए आपको पता ही है कि सभी स्टूडेंट्स का कॉल भी मैं बात कर लेता हूं, सभी स्टूडेंट्स से बातचीत भी करता हूं, जो मतलब उनकी प्रॉब्लम है, जो मतलब जहां तक उनकी प्रॉब्लम सोल्यूशन करने की हो तहां तक मैं सोल्यूशन करता हूं। तो आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहे और कोई भी जेपी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन जो है, इन्फॉर्मेशन जो है आपसे चूक ना हो, ठीक है। तो फटाफट चैनल से ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा के सभी यूजर को इस चैनल से जोड़िए और सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करिए इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करके। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।